जमीन जमीन। साथियों कहते हैं कि पैदा न होता तो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला नहीं होता। अरे वो रंग रह जाती है जमीन और आत्मा का रंग नीला नहीं होता। साथियों भारत तो कब का कंगाल हो गया होता अगर हमारे बीच में भीमराव अम्बेडकर जैसा हीरा पैदा हुआ नहीं होता। साथियों भीमराव अम्बेडकर जैसा हीरा पैदा हुआ नहीं होता। साथियों आज समय आ गया है बाबा साहब के बताए हुए विचारों पर चलने का। साथियों आज समय आ गया है हम लोगों को बाबा साहब के संविधान को बचाने का। साथियों आज हम लोग आजाद हुए हैं तो बाबा साहब की बदौलत है। साथियों अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हमारे बीच में नहीं होते तो आज इस तरह से हम आजादी से साथियों इस मंच पर नहीं बोल रहे होते। साथियों ये आजादी का हक और अधिकार हम लोगों को किस शख्स ने दिया? साथियों जिसका नाम हम लोगों को स्वर्ण अक्षरों में लेना चाहिए वो थे हमारे मसीहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। साथियों आप लोगों को मैं उस समय के लिए थोड़ी देर के ले जाना चाहता हूँ। साथियों आज से कई साल पहले राजा और महाराजाओं का राज हुआ करते थे। साथियों और राजा महाराजाओं के राज में जो रानी के पेट से बच्चा पैदा होता था चाहे काना हो चाहे लूला हो चाहे लंगड़ा हो चाहे भैरा हो चाहे साथियों कैसा भी हो वही राज का उत्तराधिकारी बनाया जाता था। लेकिन हमारे बीच में हमारे मसीहा ने साथियों रानी के पेट का ऑपरेशन करके हर भारतीय नागरिक को साथियों राजा बनाने का हक और अधिकार दिया। साथियों आज आप लोगों को देखने को मिलता है आज सरपंच से लगा करके पीएम सीएम तक साथियों जो राजा बनता है वो बाबा साहब के संविधान की कानून की बदौलत बनता है। साथियों चाहे किसी भी जाति का हो चाहे किसी भी धर्म का हो साथियों ये हम लोगों को आजादी से राजा बनने का हक और अधिकार बाबा साहब ने दिया था। साथियों इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ मेरे समाज के लोगों आज बाबा साहब ने जो अच्छा संविधान हमारे लिए बनाया था साथियों वो आज खतरे की घंटी से मंडरा रहा है। मनुवादी ताकतें साथियों अपनी ताकतें दिखाने का काम कर रही हैं और धीरे धीरे साथियों संविधान आप लोगों के लिए बांटे रहे हैं। ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों धीरे धीरे ये मनुवादी लोग मेरे को खत्म करने का काम कर रहे हैं मेरे को डिस्मोशन करने का काम कर रहे हैं मेरे को बचा लो। साथियों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ क्या देश का संविधान खत्म हो जाएगा? तो उससे पहले साथियों हम सब पहले खत्म हो जाएंगे। साथियों वही शासन और वही साथियों व्यवस्था मनुवादी व्यवस्था साथियों पर लागू हो जाएगी। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर आजाद हो तुम चंद्रशेखर आजाद हो तुम चंद्रशेखर आजाद किसी हालात के सामने नहीं झुकता। साथियों तारा टूट भी जाए लेकिन जमीन पर नहीं गिरता। साथियों गिरते हैं हजारों दरिया समुद्र में लेकिन समुद्र कभी दरिया में नहीं गिरता लेकिन समुद्र कभी दरिया में नहीं गिरता। अरे शक्तियां सहने के लिए पत्थर का जिगर पैदा करो। साथियों शक्तियां सहने के लिए पत्थर का जिगर पैदा करो जो बहुजनों के लिए कट सके वो सिर पैदा करो। ए मेरे नौजवान साथियों अब वक्त आ गया है आप लोगों को संघर्ष करने का। इसलिए हर घर घर में से एक एक चंद्रशेखर जावाद शेर पैदा करो एक एक चंद्रशेखर जावाद पैदा करो। साथियों हम लोग अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। हम लोगों को सही अपने वोट का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए? साथियों को चंद पैसे वाले लोग हम लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये पैसे वाले लोग ऐसा चलन चलने नहीं देंगे। अरे भक्त पड़ने पर किसी गरीब को धन नहीं देंगे। साथियों वो तो देंगे कुत्तों को भी रेशमी चादर मगर मरने पर किसी गरीब को एक कफन भी नहीं देंगे मरने पर किसी गरीब को एक कफन भी नहीं देंगे। साथियों हमारे बीच में और भी वक्ता हैं इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं अपने अनुशासन के दायरे में रह करके साथियों कम समय में और पूरी बात कहने के लिए इसलिए साथियों आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि वक्त बहुत कम है। अरे वक्त बहुत कम है पूरा जोर लगा दो। कुछ लोगों को हम जगाते हैं कुछ लोगों को आप जगा दो। अरे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा जन जन तक पहुंचा दो फिर देखना मेरे समाज के लोगों कैसा भूचाल आएगा। अरे ये इतिहास तो इतिहास पूरा भूगोल बदल जाएगा पूरा भूगोल बदल जाएगा। इसलिए साथियों हम लोगों को ये मानव रूपी जन्म मिला है हम और आप लोगों को जाना है लेकिन समाज के लिए कुछ करके जाओ। साथियों कहते हैं ना रहे राजा बाहुबली ना रही रानी पद्मावती अरे आए थे दो चले गए न जाने कितने कवाली थे। साथियों सिकंदर भी जब इस दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली
जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।